सितारों से मैं क्या चाहूँ सुन जरा, कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, अगर तुम सुहानी पे नजर रखो, सुहानी पे नजर रखोगे तो हमें बाबू भी मिल जाएगा और सबूत भी मिल जाएंगे। जिन सबूतों के बारे में भैया बात कर रहे थे ना, वो सबूत इसी फोन में है माँ। सुहानी, ये तो मेरा फोन है ही नहीं। You are under arrest. अब ये सबूत मेरे मोबाइल में भी है, लेकिन संजना को ये कभी पता नहीं चलेगा कि मैंने ये सबूत मेरे मोबाइल में भी कॉपी कर लिया है। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, पहले बताओ वो फोन कहाँ पर है। मैंने कहा ना सुहानी, ऐसे कोई बात नहीं है। तो खाओ मेरी कसम और कहो कि सचमुच कोई बात नहीं है। करण? अरे करण, आप ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं करण साहब, सुहानी अपन से अपन की दोस्ती का इम्तिहान ले रही थी। राजा, दोस्ती और प्यार में इम्तिहान तो देना ही पड़ता है। एनीवे सुहानी, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन आपको कैसे पता चला सर कि मेरा जन्मदिन है? सुहानी, शायद तुम्हें याद नहीं, मिस इंडिया के फॉर्म में सब कुछ लिखा होता है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। अरे सुहानी, तुमने बताया नहीं कि आज तुम्हारा बर्थडे? वो राजा, आज मेरा बर्थडे है, आज मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। आ, 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 आ। आज पार्टी मैं दूंगा, आज रात को, ओके? और राजा, इस पार्टी में तुम भी आ रहे हो। प्लीज मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने कहा ना, तुम इस पार्टी में आ रहे हो मतलब आ रहे हो। सुहानी का बर्थडे, सी यू कमिंग, ओके? अब मैं चलता हूं। नहीं राजा, तू इनके बीच में आके क्या करेगा? जितना फासला बना रहे उतना ही अच्छा है। संजना बेटा, वो मिस्टर रॉड्रिक्स से जो डील करनी थी, मैं नहीं समझता हूँ कि अब उसमें और देर करनी चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आज रात ही कनाडा चला जाऊँ। मैंने मिस्टर रॉड्रिक्स से बात कर ली है पापा, ये डील मैं ही फाइनल कर रही हूँ। और जहाँ तक आपका कनाडा जाने का सवाल है, इट्स योर विश। सजना, तुम क्या समझते हो, मैं अपने आप से भागना चाहता हूँ? नहीं बेटा, मैं अपने आप से भागना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी इस खामोशी से मेरा दम घुटता है। मैं मानता हूं बेटा कि मुझसे गलती हुई है और मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, लेकिन इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे बेटा, इतनी बड़ी सजा मत दो। तुम जानती हो कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है। अगर तुम बेरुखी दिखाओगी तो तुम्हारा पापा मर जाएगा बेटा।
मर जाएगा तुम्हारा पापा। पापा की जान ले। पापा, I love you, पापा। मैं अभी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ। I love you too. Excuse me. अच्छा लगा ये देखकर, ये जानकर कि आज भी आपके अंदर रिश्तों के जज्बात जिंदा हैं, which means मैं सही मौके पर आई हूं। Congratulations, Mr. Gujral. तुम यहां क्या कर रही हो? मुबारकबाद देने आई हूं मिस्टर गुजराल, क्योंकि आपकी पत्नी संध्या गुजराल उस दिन की घटना के बाद बिल्कुल ठीक हो गई है। देखो देवयानी, मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था और आज मैं फिर कह रहा हूं तुमसे कि वो रिलैक्स मिस्टर गुजराल, रिलैक्स। यहां सब अपने तो है और अपनों के बीच कैसा पर्दा। कम ऑफ संजना, तुमने बताया नहीं कि तुम इस बात को मान चुकी हो कि मैं मिस्टर गुजराल की बेटी हूं। ओह यस यस, बेटी नहीं, नाजायज बेटी। अच्छा क्या संजना, तुमने उस दिन जो मुझे समझा दिया नाजायज और जायज के बीच का फर्क, इन योर वर्ड्स बहुत बड़ा फर्क। अगर सब कुछ जान चुकी हो तो ये फूल लेकर क्या जताने आई हो? मैं जताने नहीं, तुम्हें समझाने आई हूं संजना, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम वही भाषा समझती हो जो भाषा तुमने सीखी है। एनीवे, इन फूलों को जरा गौर से देखो, इन फूलों के साथ साथ कांटे भी हैं। ये फूल है मेरी मां की भावनाओं के लिए और ये कांटे मेरी नफरत के लिए, क्योंकि मैं इस शहर में एक जुनून, एक मकसद लेकर आई थी कि मैं क्वींस इंटरनेशनल की कब्र पर संध्या एडवर्टाइजिंग की इमारत खड़ी करके ही रहूंगी। और आज तुम दोनों से मैं वादा करती हूं कि मैं ऐसा करके रहूंगी। अगर बचा सकते हो तो बचा लो। ऑल द बेस्ट। ओ यस। एक और बात संजना, अभी तुम ना समझ हो, रिश्ते के मायने को नहीं समझती, और समझोगी भी कैसे, जिसने अपने पति का खून कर दिया हो उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। लेकिन एक बात बहुत जल्द तुम्हें और पूरे समाज को पता चल जाएगी कि नाजायज मैं नहीं, नाजायज ये है तुम्हारा बाप, जो ना तुम मेरे साथ जायज फर्ज निभा सका और ना तुम्हारे साथ। ये रेस्टोरेंट इतना खाली क्यों है? इसकी एक वजह है। ओके, लेट मी टेल यू। वो वजह ये है कि करण धनराजगीर ये नहीं चाहता, मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरी नजरों के अलावा किसी और की नजर तुम पर पड़े, इसलिए मैंने सारा रेस्टोरेंट बुक कर दिया। सो रोमांटिक। वैसे मैडम, आपने अभी तक करण धनराजगीर का रोमांटिक अंदाज देखा था? जैसे जैसे रात बढ़ती रहेगी वैसे वैसे रोमांटिक अंदाज बढ़ता है, और इस बात को प्रूफ करने के लिए मेरी तरफ से आपके लिए एक नाचीज सा तोहफा।
कहना है? गुड, वेरी गुड। बस ठीक इसी तरह अपना काम करते रहना, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। हेलो, आज का अखबार देखा आपने? क्यों, क्या हुआ? तो नींद से जागिए मिस्टर करण धनराज और देखिए आज का अखबार। प्रेस वालों ने क्या क्या छापा है आपके और सुहानी के बारे में। तस्वीरें हैं, कुछ रोमांस की बातें हैं। व्हाट? जरा जागिए नींद से और देखिए हमारे मिस इंडिया की विश्वसनीयता पर क्या क्या उंगली उठ रही है। उठिए सर, उठिए, पेपर पढ़िए। देखो मैडम, अपू ने बोला ना ऊपर कोई नहीं जा सकता तो कोई नहीं जा सकता। देखिए हमें ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता, हम मीडिया के लोग हैं और हमें सुहानी सहाय से कुछ पूछताछ करनी है। मैडम जो भी पूछने का है बस्ती में बाहर जाके पूछो, समझा क्या? इधर बस्ती में अपुन को कुछ भी मच नहीं मांगता है क्या? लेकिन मिस सुहानी सहाय इसी बस्ती की लड़की है और हमें मिस सुहानी सहाय से पूछना है कि उसने मिस इंडिया की मंजिल को पाने के लिए और क्या क्या समझौते किए। मैडम बहुत हो गया भैया, क्या इधर तुम लोग का नाटक चला? अबे क्या देख रहे हो तुम, निकल लो बाहर, चल निकल, जा रहे हो बाहर सबको। ठहरो, मैं देती हूँ इनके सवालों का जवाब। सुहानी तू काय को इधर आई, तू जाना ऊपर जाना, आई तू इसको ऊपर लेके जा, मैं देखता हूँ ये लोग को। नहीं राजा, मुंह तो वो छिपाते हैं जिनकी नियत में खोट होती है, और ना ही मेरी नियत में खोट है और ना ही मैंने कोई गलती की है, तो फिर मैं क्यों मुंह छुपाते फिरूं? और वैसे भी मिस इंडिया बनना मेरा सपना नहीं था। तो क्या मिस्टर करण धनराज ने आपको मजबूर किया मिस इंडिया बनने के लिए? इन सब बातों से मिस्टर करण धनराज का कोई भी लेना देना नहीं है। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना मेरा जाती फैसला था। मिस सुहानी सहाय, हमने सुना है कि आप यूनिकॉर्न मीडिया ग्रुप में काम करती थी, जाहिर है कि आपकी मुलाकात मिस्टर करण धनराज से पहले भी होती ही रही होगी, फिर अचानक आपने नौकरी छोड़कर मिस इंडिया बनने का फैसला कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर करण धनराज से मिलने के बाद आपके सपने बड़े हो गए और आपने कामयाबी को पाने के लिए मिस्टर करण धनराज को अपनी सीढ़ी बना लिया? नहीं, ये झूठ है। तो क्या आप मानती हैं कि अखबारों में जो तस्वीरें छपी हैं वो झूठी हैं? उन तस्वीरों का इन बातों से कोई भी लेना देना नहीं है। अक्सर सच सामने आने के बाद लोग असलियत से मुंह कर जाते हैं, पर सच सच तो सच ही होता है। मैंने कहा ना ये सच नहीं है। तो सच क्या है, हम सच जानना चाहते हैं, बताइए। क्या आपने अपनी बेटी की परवरिश इस तरीके से की है कि वो मिस इंडिया की मंजिल को पाने के लिए कुछ भी समझौता कर सकती है? क्या आपने अपनी बेटी से पूछा कि किस दम पर वो मिस इंडिया बनने के सपने देख रही है? क्या आपने अपनी बेटी से कभी पूछा कि उसके और मिस्टर करण धनराज के बीच क्या संबंध है? क्या कभी आपने अपनी बेटी से पूछा कि मिस इंडिया का मुकाम हासिल करने के लिए उसे क्या क्या समझौते पूरे करने पड़ रहे हैं? बस करो, बस करो, मेरी बेटी ऐसी नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं। हो गया तुम लोग का, चलो अभी निकलो यहाँ से, चलो 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 फटाफट निकलो, निकालिए लोगों, जा रही है यहाँ से अपने बस्ती से। लंगड़े घोड़े पर बाजी लगाकर दुनिया से बड़े बड़े वादे करने वाले को अनाड़ी कहते हैं, खिलाड़ी नहीं। खिलाड़ी तो उसे कहते हैं जो बाजी का रुख बदल देता है। वैसे कैसे लगा तुम्हें मेरा तोहफा? डिब्बा बड़ा होने से उसके अंदर का तोहफा भी बड़ा हो
ये जरूरी नहीं। मैं जानती हूँ कि तुमने एक चाल चली है, लेकिन तुम्हारी चाल मेरी मात का कारण बने ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है, तुम्हें अपनी गलतफहमियों से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अपना कद देखे बगैर ही जान को छूने की तमन्ना रख ली। संजना गुजराल उस हस्ती का नाम है जिस तक तुम्हारे हाथ कभी नहीं पहुंच सकते। तुम तक पहुंचना है शाह, मेरी ख्वाहिश भी नहीं है। और वैसे भी हमारे रिश्ते में तुम्हारा दर्जा छोटे का ही है, इसलिए अब तुम्हें चुनौती भी क्या दूं? चलो एक सलाह देती हूं, अपने बाप की परछाई से बाहर आकर दुनिया को देखो, क्योंकि कामयाबी कद से नहीं बल्कि अक्ल से हासिल होती है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन ओछी हरकतों से देवयानी चौहान के इरादे बदल जाएंगे तो तुम गलत हो, क्योंकि देवयानी चौहान अच्छी तरह जानती है कि उसे जीतना आता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर संभाल सकती हो तो संभालो अपने मोहरों को, क्योंकि मैं अब वो चाल चलने जा रही हूं जिससे तुम हमेशा के लिए नेस्तनाबूत हो जाओगी। बात काफी आगे बढ़ चुकी है सर, मीडिया ने तो इस इशू को अपनी प्रेस्टीज इशू बना लिया। एग्जैक्टली, और मैं तो चाहता हूं कि इस इशू में अब मीडिया आना भी चाहिए। मैं आप लोगों की बात रख रहा हूं सामने। सर, मिस इंडिया के एक कंटेस्टेंट का नाम आपके साथ जुड़ना, फिर उसी कंटेस्टेंट के लोगों द्वारा मीडिया के साथ मिसबिहेव करना, सोचिए पोजीशन का क्या होगा अपनी। मीडिया इस पूरे इवेंट को कटघरे में खड़ा कर देगा। मीडिया से मैं बात कर लूंगा। बात करने से क्या होगा, ये इवेंट तो आज से गया है समझो। हम सबका तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। सैटेलाइट्स के राइट तो हम लोगों ने खरीद ही लिए, लेकिन अगर प्रोग्राम की टीआरपी नहीं रहेगी तो रुपया कहाँ से आएगा। हाँ, इसका क्या जवाब है आपके पास? किसी का रुपया नहीं डूबेगा, किसी का नहीं। क्या आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है? हम क्या भरोसा करें आप पर, आपने तो हमारा भरोसा पहले ही तोड़ दिया। देखिए, मैंने किसी का कोई भरोसा नहीं तोड़ा है, कोई भरोसा नहीं तोड़ा मैंने। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं सुहानी से प्यार करता हूं और मैं इसे गुनाह नहीं समझता। गुनाह बिल्कुल नहीं है मिस्टर करण धनराज, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन शायद आप एक बात भूल रहे कि मिस सुहानी सहाय मिस इंडिया कंटेस्टेंट्स है, और मिस इंडिया कंटेस्टेंट्स और मिस इंडिया के लिए ऑर्गेनाइज करने वाले अगर आपस में प्यार करते हैं तो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट पे किसी का भी भरोसा नहीं रहेगा। देखिए मिस्टर धनराज, बिजनेस जज्बात से नहीं किए जाते, और एक इंसान होने के नाते मुझे आपके जज्बात की कद्र है, लेकिन अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई भी अपना रुपया इस कॉन्टेस्ट में नहीं लगाएगा। हाँ हाँ, हम रुपया नहीं लगाएंगे। शांत हो जाइए आप लोग, प्लीज शांत हो जाइए। एक मिनट, आप लोग चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि आप इस इवेंट से बाहर चले जाएं। और एक बात, इस कॉन्टेस्ट की बदनामी की वजह सिर्फ मिस्टर करण धनराज ही नहीं है, मिस सुहानी सहाय भी है। इसीलिए मेरी बोर्ड से रिक्वेस्ट है कि मिस सुहानी सहाय को भी इस कॉन्टेस्ट से बाहर हटाया जाए। ये आसमां छू जाने के लिए।
मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी।